रियलिटी शो इंडियाज बेस्ड ड्रामेबाज के सेट पर होस्ट शांतनु माहेश्वरी अक्सर हुमा कुरैशी के साथ फ्लर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने इस बार भी कुछ ऐसा ही किया, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि ये मजाक उन्हें भारी पड़ सकता है। दरअसल शांतनु हुमा की 2013 में आई फिल्म एक थी डायन के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने एक थी डायन 50 बार देखी क्योंकि उसमें आप थीं। आप इस फिल्म में बहुत खूबसूरत लग रही थीं। आप फिल्म में पूरी डायन की तरह दिख रही थीं। गुस्से में चली गई थीं। सेट छोड़कर शांतनु के जोक्स पर अक्सर हंसने वाले हुमा को इस बार गुस्सा आ गया। वे क्रिएटिव टीम के पास गई और बोली कि इस तरह के शब्द वे अपने लिए मंजूर नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, वे शूटिंग बीच में ही छोड़कर सेट से बाहर चली गईं। इधर शो में जज के तौर पर नजर आ रहे विवेक ओबेरॉय स्टेज पर गए और शांतनु को समझाने लगे कि उन्हें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डैश वही दूसरे जज उमंग कुमार भी हुमा को मनाने के लिए उनके पीछे पीछे भागे। बुरी तरह डर गए थे शांतनु इस पूरे घटनाक्रम के दौरान। शांतनु बुरी डर गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। बाद में उमंग हुमा को सेट पर वापस ले आए। सभी लोग आश्चर्य में थे। इसके बाद तीनों जज विवेक ओबेरॉय, हुमा कुरैशी और उमंग कुमार जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि ये एक प्रैंक था। डैश ड्रामे की हकीकत पता लगने के बाद भी शांतनु से कुछ बोला नहीं जा रहा था। शांतनु बोले, बढ़ गई थी हार्ट बीट। इस घटना के बारे में बात करते हुए शांतनु माहेश्वरी कहते हैं, मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद तो मुझे पसीना भी आने लगा। मैं बहुत डर गया था। ये एक प्रैंक था, ये मानने में मुझे काफी समय लगा। स्क्रिप्ट में इसका जिक्र नहीं था। मैं काफी नर्वस हो गया और कुछ मिनट्स तक तो कुछ बोल ही नहीं सका, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अंत बोले तो सब भल। जेड न्यूज़ की रिपोर्ट।